बहुत समय पहले की बात है, हस्तिनापुर गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं, पर मैं तो जब भी आता हूँ सारी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज की ये वार्तालाप हस्तिनापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी बिरजू कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है, चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? लेकिन सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे, हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो, करवा चौथ वाले दिन इन्हीं की पूजा करने के बाद तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद थोड़ा उदास हो गया। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, हस्तिनापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं, और उनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, परंतु मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है, इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊँगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही सारे गाँव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर होती है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। हस्तिनापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसीलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है, लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे उमा, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है, जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो गई तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए तो जाना है, पर अभी बाहर बहुत अंधेरा है, आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर इतना अंधेरा है कि हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर पवन सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। फिर दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, ऐसा करता हूँ जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद पवन नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है। तभी बाहर शोर होता है, पवन और उमा बाहर निकलकर देखते हैं तो बिरजू का बेटा बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ था। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर उमा जल्दी से पानी लाकर बिट्टू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में बिट्टू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सारी रात लोगों की ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे, काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन हस्तिनापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते, और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद पवन बाहर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए, हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद पवन और सभी गाँव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव,
जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है, उतनी ही तुम्हारी। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गाँव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और सभी गाँव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा। चाहे जाड़े में मरेंगे पर बला तो सिर से टल जाएगी। यही सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू क्या उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मरमर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजूरी करके लाओ और उसे भी इसमें झोंक दो, उस पर ये धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था? खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद तार लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है, किसी तरह बस रात कट जाए। यह खेती का मजा है और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें,
मजा दूसरे लूटे। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब सो जाऊंगा, पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। दशा इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षी अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझर शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर फूंक तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब जाड़े में भी तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने हूं हूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई।
पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहा, लिहा, लिहा। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर दो तीन कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है? यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।